वन बंधु परिषद द्वारा देश भर में वनवासी समाज में शिक्षा और संस्कार माध्यम द्वारा चहुमुख विकास नो प्रयास कराई रह्यो छे, त्यारे वन बंधु परिषद गुजरात सभा गमन राप्ती वेली एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा आगामी 12 અને 13 નવેમ્બર में रोज समापक स्तरीय खेलकूद समारोह नो आयोजन करायु छे। જે ખેલકૂદ સ્પર્ધામાં ગુજરાત સંભાગના ગ્રામીણ ક્ષેત્રના 286 જેટલા ખેલાડીઓ જેમાં કિશોરીઓ પણ ભાગ લેનાર છે, જે અંગે પત્રકાર પરિષદમાં વધુ માહિતી અપાઈ હતી। વનબંધુ પરિષદ દ્વારા વર્ષોથી ગ્રામીણ વિસ્તારમાં રહેતા આદિવાસી સહિતના સમાજના લોકો માટે કામગીરી કરી સરાહનીય કામ કરાઈ રહ્યું છે। दो भाग में बांटते हैं, साउथ गुजरात और नॉर्थ गुजरात। तो साउथ गुजरात में डांग, तापी, नर्मदा और भरूच, ऐसे 4 जिले हैं, और उत्तर गुजरात के छोटा उदयपुर, महिसागर, पंचमहल, जालौद और हिम्मतनगर, ऐसे ये 9 जिले हैं जहां से हमारे, और हमारा तकरीबन एक जो जिला हम बताते हैं वहां करीब करीब हमारे 300 स्कूल चलते हैं। ऐसे 2700 स्कूल पूरे गुजरात में चलते हैं, वन टीचर स्कूल। अभी जैसे हमारे डांग जिले से हैं पिंकी कर्माकर, आपके राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लास्ट रिले ओलंपिक के अंदर और एशियन गेम्स में हमको मेडल मिला था, वो भी एकल विद्यालय से पढ़ी हुई हैं। फिर सरिता गायकवाड़, जिन्होंने अपना कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स के अंदर वो हमारे पार्टिसिपेट की थी, फ्लैग इंडियन लेके चली, वो हमारे एकल विद्यालय से निकली हुई है। और ऐसे ऐसे तो हजारों या लाखों 33 साल में ऐसे हुए होंगे जिनमें से बच्चे पढ़ के किसी ने कोई पुलिस में नौकरी की है, कहीं कोई और दूसरे संस्थाओं में जुड़े हैं, तो मिलिट्री में भी गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं।